अबे ओए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी को टच करने की? हाँ मैम साहब, मैं तो बस फोटो खींच रहा था अपनी। अच्छा फोटो खींच रहा था? तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे सामने में शाना बनने की जरूरत नहीं है, तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ। तेरी गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच आ गया, तेरी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ बदतमीज इंसान। मैम साहब, ये हमने नहीं किया, ये तो आपने किया है। हम आपकी बेशक गाड़ी साफ कर देंगे, लेकिन ये हमने नहीं किया। अच्छा अगर तूने नहीं किया तो क्या ये स्क्रैच मैंने अपने आप किया है? हाँ अब चुपचाप से ना 20,000 रुपए निकाल, तेरी इस घटिया सी सेल्फी के चक्कर में मैं इतना बड़ा नुकसान क्यों सहूं? हाँ चल पैसे निकाल। 20,000? इतनी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा मैम साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है आपको देने के लिए। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? अबे ओए, तूने ऊपर से तो कोट पहना हुआ है और कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, ये देखिए ना मेरी औकात बस यही है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए। मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगा, चमका दूंगा, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। अच्छा तू फटीचर है, तेरे ये फोन, तूने फोन चुराया है ना किसी का? हाँ चल वो फोन दे मुझे, तू फोन दे करके भरपाई करेगा इस नुकसान की, चल फोन दे। देखिए मैम साहब, ये फोन मेरा है, मैंने चुराया नहीं है, ये देखिए खराब है, रबड़ भी है इसमें। फोन दे, दे मुझे फोन, इधर दे। आया बड़ा, अबे शक्ल तो देख तू अपनी, तेरी औकात है टच स्क्रीन वाला फोन रखने की? हाँ मैम आप ऐसा ना करिए, मेरा फोन दे दीजिए, मैंने बड़ी मुश्किलों से लिया था ये फोन। अच्छा तेरा फोन वापस कर दूं? और तूने जो मेरे बोनट का इतना बड़ा सत्यानाश किया उसका क्या? हाँ इसकी भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना मैं तेरी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नहीं 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 मैम साहब, आप ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अब तू इतना गिड़गिड़ा ही रहा है तो मैं नहीं करूंगी तेरी पुलिस कंप्लेन, लेकिन उसके बदले तुझे मेरा वो हर काम करना पड़ेगा जो मैं तुझसे कहूंगी। आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूंगा, लेकिन आप प्लीज प्लीज पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। चल आ जा मेरे साथ। जाने भी देती, लेकिन ये कोई छोटी रकम नहीं है, 20,000 रुपयों की बात है, तुझसे सारा हिसाब चुकता करवा के ही मानूंगी मैं। चला मेरे साथ चल, चल। राहुल ये डमी वहां रखवा दिया। हाँ सर, आपको अपनी शॉप पर साफ सफाई के लिए एक लड़के की जरूरत थी ना, ये देखिए ये करेगा सारे काम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत टाइम से अपनी दुकान के लिए एक लड़के की तलाश थी, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। चलिए सर मैं चलती हूँ, हाँ आप इससे जो काम हो वो करवाइए। आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित एक काम करो यार, यहाँ सफाई वगैरह कर दो। सुमित इधर आ। जी सर। सुमित आज तेरे को दुकान में काम करते हुए पूरा एक महीना हो गया है, और मैं तेरे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, और ये ले तेरी सैलरी, अगर ऐसे अच्छे से काम करता रहा तो 2-4 महीने बाद तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, ठीक है।
चल पैसे दे जा, दे पैसे दे। मेरी मेहनत की कमाई है। अबे चल, आया बड़ा मेरी मेहनत की कमाई है। तूने मेरा जो नुकसान किया था उसका क्या? हाँ, तुझे 20,000 रुपए भरने थे ना, इन पैसों से ही तू उसका भुगतान करेगा, समझ आया? आया बड़ा मेरी मेहनत की कमाई है, चल हट। सुमित, सुमित, अरे सुमित कहाँ खोया हुआ है? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ और बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, क्या हुआ? कोई बात होगी क्या? साहब मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो मेम साहब उसी ने मेरे को लेकर आई थी ना, मैं उनकी गाड़ी के आगे फोटो खिंचवा रहा था। साहब अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, उन मैडम ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। अगर मैंने यहाँ से जाने की कोशिश करी और उनके पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस कंप्लेंट करके मुझे गिरफ्तार करवा देगी, उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं परेशान हूँ। अच्छा ये बात है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इस मुसीबत से बाहर मैं निकालूंगा, बस तुम्हें क्या करना है, जो मैं कहूँ उसमें हाँ पे हाँ मिलानी है, ठीक है? जी सर। चल आ जाइए। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने आपको बुलाया, दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम सर? वो आपको याद होगा कि आपने एक लड़का भेजा था हमारी दुकान में काम करने के लिए, उस लड़के ने हमारी दुकान से 20,000 रुपए चुरा लिए हैं और वो 4-5 दिन से गायब भी है। क्या 20,000 रुपयों की चोरी? हाँ, और अब उसका कोई अता पता भी नहीं है। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि उसका हर्जाना अब आप भरोगे। मैं क्यों दूंगी पैसे सर, मैंने थोड़ी ना चुराए हैं आपके पैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि चोरी आपने करी है, मैं तो आपको हर्जाना भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने उसे अपनी दुकान पर काम पर आपके कहने पर रखा था। आपने कहा था कि उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हमने उसे काम पर रखा था। अब उसने चोरी की है तो हर्जाना तो आपको ही भरना होगा क्योंकि आप ही उसकी जान पहचान वाली हैं या रिश्तेदार हैं। सर सर भला मैं क्यों दूंगी पैसे, और वो तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ना कोई जानकार है वो मेरा। ये कैसा बेतुका मजाक कर रही हैं आप, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने उसके हाथ से पैसे छीने थे, और आपने अगर उसके हाथ से पैसे छीने तो इसका मतलब आप या तो उसे जानती हैं या फिर उसके कोई रिश्तेदार हैं। देखिए चुपचाप मेरे पैसे दे दीजिएगा वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, समझिए आप। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, देखिए मैं सच में उसे नहीं जानती, वो मेरा कोई रिश्तेदार या जानकार नहीं है, असल में बात कुछ ऐसी थी कि। अरे वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था, तुमने तो अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया और जो जो तुमने बोला है वो फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। सुमित अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैम के सारे रिकॉर्ड इस फोन के अंदर हैं। अगर अब इन्होंने तुम्हें धमकाने की कोशिश करी या तुम पर जुर्म करने की कोशिश करी तो ये खुद अपने चंगुल में फंस जाएंगी। सर देखिए आपको हम दोनों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, ये उसका और मेरा आपसी मामला है, आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए। कैसी बात कर रही हैं आप, डिलीट कर दूं? क्यों डिलीट कर दूं यार, अदौती की चीज की। अरे बेचारा सीधा साधा बंदा गांव से शहर आया, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी शहर की और तुमने इसी बात का फायदा उठा लिया, उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, पुलिस की धमकी दी उसे। अरे यार मेहनत करके कमा लो, क्या फ़ायदा किसी की बददुआएं लेके पैसे कमाने से। तुम्हें पता है तुम्हारे इस छोटे से कदम से बेचारा कितने बड़े टॉर्चर को झेल रहा था। अरे जब कोई बंदा नया नया शहर में आता है ना तो सोचिए पहले ही झेल रहा होता है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती है, परिवार का बोझ होता है,
ऐसे में हमें उस बंदे का सहारा बनना चाहिए, ना कि उसको लूटना चाहिए या फिर उस पर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तुमने तो बड़ी आसानी से इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारे एक छोटे से छोटे इल्ज़ाम के कारण इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, और अगर इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना तो कौन देखता इसके परिवार को, क्या हाल होता इसके परिवार का। अरे अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी का बुरा करो, समझे तुम। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो अपनी इस गलती का पश्चाताप कर लेना, और आगे से कभी भी किसी को ऐसे लूटने की कोशिश मत करना। सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए और मैं पैसे भी वापस कर दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। अरे कोई माफी माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, बकवास कर दी इतनी देर से आप, आपसे बोला ना चुपचाप यहां से जाए, मतलब जाए। सुमित बैठो तुम। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कई सीधे साधे इंसान झूठे जुर्म में फंस जाते हैं, उन पर झूठा आरोप लग जाता है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को झूठे आरोप में फंसा कर हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं, और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके कभी भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। इसलिए जितना हो सके थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपको कोई झूठे आरोप में ना फंसा सके, और साथ ही साथ हमेशा दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, क्योंकि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जल्दी मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।